1905 में आज ही के दिन महान जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत पेश किया था। E=mc² सिद्धांत ने भौतिक रसायन और परमाणु विज्ञान में क्रांति ला दी। इस सिद्धांत से किसी भी पदार्थ से कितनी ऊर्जा निकलती है उसका आकलन किया जा सकता है। पदार्थ में ऊर्जा का पता लगाने के लिए पदार्थ के द्रव्यमान को प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाता है। इस समीकरण से आधुनिक क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ। 1921 में इन्हें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी सिद्धांत की बदौलत आज सभी सेंसर चलते हैं। 1933 में आइंस्टीन अमेरिका गए थे। इसी दौरान जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर ने सत्ता संभाल ली, जिसके चलते आइंस्टीन वापस जर्मनी नहीं लौटे और अमेरिका में ही बस गए। आइंस्टीन को आशंका थी कि नाजी एटम बम बनाने के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं को परमाणु हथियार के खतरों से वाकिफ भी कराया और कहा कि इंसानियत के खिलाफ इतनी बड़ी भूल ना करें। आइंस्टीन महात्मा गांधी के बड़े प्रशंसक थे। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद अपने शोक संदेश में आइंस्टीन ने कहा, आने वाली पीढ़ियां इस बात पर यकीन नहीं करेंगी कि कभी इस धरती पर इस तरह का आदमी भी था। 1932 में आज एक दिन मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक यशराज चोपड़ा का जन्म हुआ था। यश चोपड़ा के बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक थे। बड़े भाई की प्रेरणा पर ही इन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाया। 1959 में पहली बार यश चोपड़ा ने अपने भाई के बैनर तले बनी फिल्म धूल का फूल का निर्देशन किया। इसके बाद इन्होंने धर्मपुत्र का भी निर्देशन किया। दोनों ही फिल्में औसत कामयाब रहीं, पर इसमें यश चोपड़ा की मेहनत सबको नजर आई। 1965 में रिलीज हुई फिल्म वक्त यश चोपड़ा की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म का गीत ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं आज भी खूब गुनगुनाया जाता है। यश चोपड़ा को हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। दीवार, कभी कभी, डर, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वीर जारा जैसी बेहतरीन और रोमांटिक फिल्में बनाने वाले यश चोपड़ा ने पर्दे पर रोमांस को नए मायने दिए। यश चोपड़ा को 2005 में पद्म भूषण सम्मान, 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ ही 11 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ निर्माता निर्देशक के सम्मान से नवाजा गया। 1988 में आज एक दिन कनाडा के तेज धावक बेन जॉनसन से उनका ओलंपिक स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया था। सोल ओलंपिक खेलों की 100 मीटर की दौड़ में जॉनसन ने स्वर्ण पदक हासिल किया था, लेकिन डोप टेस्ट में दोषी पाए जाने के बाद जॉनसन से उनका पदक वापस लेने का फैसला किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के इस आदेश के खिलाफ जॉनसन ने अपील की, लेकिन IOC ने एथलीट जॉनसन की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने दौड़ के पहले केवल एक हर्बल पेय पिया था। केवल 9.79 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ को पूरा कर जॉनसन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। डॉप टेस्ट में असफल होने के बाद उन पर अगले 2 साल तक किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई। अपने खेल करियर में बनाए गए सभी विश्व रिकॉर्ड और मेडल भी जॉनसन से वापस ले लिए गए। 1991 में जॉनसन फिर से ट्रैक पर उतरे, लेकिन पहले जैसी सफलता उन्हें फिर कभी नहीं मिली। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक खेलों में जॉनसन 100 मीटर की दौड़ के फाइनल दौर में अपनी जगह तक नहीं बना पाए। 1993 में फिर से कनाडा में हो रही एक प्रतियोगिता में जॉनसन को ड्रग्स लेने का दोषी पाया गया। इस घटना के बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने सर्वसम्मति से जॉनसन पर जीवन भर का प्रतिबंध लगा दिया। 1996 में आज के दिन भीषण लड़ाई के बाद तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर फतेह हासिल कर कब्जा कर लिया था। काबुल में लड़ाई का आखिरी मोर्चा राष्ट्रपति निवास था, जहां करीब 24 घंटों तक लड़ाई चली। काबुल के पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी, तत्कालीन प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष को तालिबान ने राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया। चरमपंथियों ने पहले ही देश के एक दूसरे पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की हत्या कर दी थी। 1992 में साम्यवाद विरोधियों ने मोहम्मद नजीबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर से निकाला और सरेआम उन्हें गोली मारकर एक खंभे से लटका दिया। केवल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को तत्काल मान्यता दी। बाकी ज्यादातर देशों ने बुरहानुद्दीन रब्बानी को ही अफगानिस्तान का राष्ट्रपति स्वीकार किया। तालिबान एक पूर्ण इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता था, जहां शरिया का पूरी तरह से पालन हो। 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया। और आज का दिन यानी 27 सितंबर दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1980 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस आयोजित करने का फैसला किया।
विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा हर वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की विषय वस्तु तय करती है। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक राष्ट्र को मेजबान राष्ट्र घोषित किया जाता है जो कि भौगोलिक आदेश पर होता है। 2006 में यूरोप, 2007 में दक्षिण एशिया, 2008 में अमेरिका और 2009 में अफ्रीका को विश्व पर्यटन दिवस का मेजबान बनाया गया। भारत सरकार ने विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न शहरों में अलग अलग योजनाएं लागू की हैं। भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से एक नया अभियान शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना है।